हाय एवरीवन, तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ सैलेड की रेसिपी जिसमें तेल या मसाला बिल्कुल नहीं डाला है और इतना टेस्टी है कि आप इसे बिना रोटी सब्जी के भी खा सकते हैं। तो आप भी घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो सैलेड बनाने के लिए आपको एक बाउल में लेना है ककड़ी और क्वांटिटी आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है। अब आपको इसमें डाल देना है शिमला मिर्च। अब आपको इसमें डाल देना है चकुंदर। और ज़रूरी नहीं है कि जो सब्जियां मैं बता रही हूँ आपको वही डालना है, आप अपने पसंद की भी सब्जी इसमें डाल सकते हैं। अब आपको डालना है टमाटर, फिर आपको डाल देना है गाजर। अब हम फ्रूट्स डालेंगे, तो फल में मैंने लिया है सेब और फल भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसमें डाल दीजिए अनार। अब आपको इसमें डालना है भुनी हुई मूँगफली। मूँगफली की जगह आप काजू और बादाम भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको डाल देना है किसा हुआ नारियल। अब आपको इसमें डाल देना है एकदम बारीक कटा हुआ धनिया। टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको इसमें डाल देना है काला नमक और लास्ट में आपको इसमें डाल देना है काली मिर्च का पाउडर। और बस आपको सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। ये एकदम हेल्दी सैलेड है, आपको इसमें कोई भी ऑयल मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और भी मेरे पास ऐसे ही बहुत सारे सैलेड की रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और ये देखिए हमारा सैलेड भी बनके रेडी हो चुका है। अब आप जल्दी जल्दी से सैलेड को सर्व कर दो। वैसे तो आप इसे रोटी सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, पर अगर आप डाइट पे हैं तो इसे सिर्फ डिनर में खाइएगा या तो लंच में खाइएगा और ये सुपर हेल्दी रहेगा आपके डाइट के लिए। अब ऊपर से गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी मूँगफली डाल दो, अनार डाल दो, धनिया डाल दो और नारियल डाल दो। और ये देखो हमारा सैलेड बनके रेडी हो चुका है। ये हेल्दी सैलेड आप भी घर पे जरूर ट्राई करके देखना, क्योंकि टेस्टी होने के साथ साथ ये हेल्दी भी है और बहुत आसानी से बन भी जाता है। और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।